वेलकम फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम समझेंगे कि कौन कौन से मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं और इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है डिविडेंड, दूसरा आता है बोनस, तीसरा है स्टॉक स्प्लिट, चौथा है बाईबैक, पांचवा है राइट्स इशू, छठवा है मर्जर एंड सातवा है एक्विजिशन। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि डिविडेंड्स होते क्या हैं। तो डिविडेंड्स जो कंपनी है साल भर में जो नेट प्रॉफिट बनाया, उस नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ हिस्सा अपने रिजर्व प्लस सरप्लस में रखती है, जिससे वो फर्दर अपने बिजनेस एक्सपांशन की एक्टिविटी कर सके। तो जो हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को बांटती है, उसी को हम डिविडेंड्स बोलते हैं। अब इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है? तो जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है, वो एक सर्टेन लिमिट में ही ग्रोथ करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो कोल इंडिया का शेयर प्राइस आज के डेट में 150 से 200 के रेंज में है, लेकिन इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 400 के ऊपर हुआ था और वो आज से 11 साल पहले था। तो ये हाई डिविडेंड देती है, बट अगर हम इसका ग्रोथ देखें तो ग्रोथ उस रिस्पेक्ट में हुआ ही नहीं जिस रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो डिविडेंड के पीछे हमको ज्यादा नहीं जाना है। ये उसी तरीके से है जैसे अगर घर का कोई अर्निंग मेंबर है, अगर वो अपनी कमाई का 100% हिस्सा हर महीने खत्म कर देगा तो उसका ग्रोथ कहां से होगा? उसी तरीके से जो कंपनी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में बांट देगा, उसका ग्रोथ कहां से होगा? तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने के समय। इसके बाद आता है बोनस। मान लो कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है, एग्जाम्पल के लिए एक शेयर के पीछे एक शेयर का बोनस देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शेयर होल्डर है उसके पास मान लो 100 शेयर थे तो उसके पास अब 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन जिस रेशियो में बोनस दिया है उसी रेशियो में शेयर का प्राइस घट जाएगा। तो जैसे एक शेयर के पीछे एक शेयर बोनस दिया तो जो पहले शेयर का प्राइस 100 रुपया था अब उसका प्राइस 50 रुपया हो जाएगा। तो शेयर होल्डर के वैल्यू में तो कहीं कोई अंतर आया नहीं, इसीलिए हमको बोनस के पीछे नहीं जाना है। बोनस में सिर्फ ये होता है कि उस कंपनी का जो शेयर का लिक्विडिटी है वो मार्केट में बढ़ जाता है, तो इससे शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए आपको बोनस के पीछे नहीं जाना है। इसके बाद आता है स्टॉक स्प्लिटिंग। कई बार कंपनीज अपने शेयर्स को कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या डिवाइड कर देती है। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो अगर वो कंपनी एक शेयर को 5 शेयर में तोड़ देती है, स्प्लिट कर देती है, तो अब क्या होगा कि शेयर होल्डर के पास एक शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, लेकिन उसी रेशियो में उस शेयर का प्राइस भी गिर जाएगा। मान लो शेयर का प्राइस स्प्लिटिंग के पहले 100 रुपया था, अगर उसका स्प्लिटिंग 1:5 हुआ, मतलब एक शेयर के पीछे 5 शेयर शेयर होल्डर को मिल रहा है, तो अब क्या होगा कि जो 100 रुपये का शेयर था उसका प्राइस घट के 20 रुपया हो गया और आपके पास 5 गुना शेयर हो गए, तो कुल मिला के आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्प्लिटिंग कई बार कंपनीज क्या करती है कि जो बड़े प्रमोटर्स होते हैं या बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके दबाव में भी स्प्लिटिंग करती है। जब कंपनी का जो शेयर प्राइस है ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो ओवर वैल्यूड हो जाता है तो बड़े प्लेयर्स को निकलना होता है, तो उनको लिक्विडिटी का इश्यू आता है, तो वो क्या करते हैं कंपनी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप शेयर को स्प्लिट कर दो। और स्प्लिट करने के बाद क्या होगा कि जो रिटेलर है जिनको उतनी समझ नहीं है, वो ये समझते हैं कि 100 रुपये का शेयर 20 रुपया आ गया, भाई अभी निवेश करने का सही समय है, जबकि बड़े प्लेयर्स उसी समय पे अपने शेयर्स एग्जिट कर देते हैं और जब उसका प्राइस फेयर हो जाता है उस समय वो फिर से रीइन्वेस्ट कर देते हैं उसी कंपनी में, तो उनका पैसा तो बच जाता है और वो प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन जो रिटेलर है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लिटिंग के समय आपको ध्यान रखना है, इससे शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ इसमें बड़े प्लेयर्स को ही बेनिफिट होता है कि वो अपने शेयर्स हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं और लोअर प्राइस या फेयर प्राइस आता है तो री एंट्री कर लेते हैं, बीच का मार्जिन उनका प्रॉफिट हो जाता है, तो शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है या उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। अब समझते हैं बाईबैक क्या होता है। तो बाईबैक मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनीज बाईबैक ऑफर निकालती है, तो इसमें जैसे मान लो कोई कंपनी है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, मान लो वो कंपनी 20% का बाईबैक निकाली, तो 20% का जब बाईबैक निकालेगा तो पहले कंपनी का टोटल शेयर था 100, 20% शेयर का बाईबैक करेगी तो वो कंपनी का जो रिजर्व फंड है उसी से शेयर्स को बाईबैक करती है, तो जो इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं
उसमें क्या करती कंपनी कि जैसे कोई शेयर 100 रुपया चल रहा है तो उसमें 20% एक्स्ट्रा का भाव दे देता है कि भाई हम 120 में आपका शेयर खरीदेंगे, चाहो तो आप बेच सकते हो। तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो 100 रुपये का शेयर है उसके बदले 120 मिल रहा है तो वो अपना शेयर सेल कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो शेयर को सेल नहीं करते। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे 20% शेयर का बाईबैक किया तो अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो घट जाएंगे वो हो जाएगा 100 शेयर की जगह 80 शेयर। तो जो पहले के शेयर होल्डर थे जिन्होंने बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, मान लो किसी के पास 10 शेयर थे, अब 10 शेयर में उसकी हिस्सेदारी 10% थी क्योंकि 100 शेयर था, 100 शेयर में से 10% उसकी हिस्सेदारी थी। अब बाईबैक के बाद कंपनी का जो टोटल शेयर हो गया वो 80 हो गया। अब 80 हो गया तो 80 के रिस्पेक्ट में उसके पास 10 शेयर हो गए, तो उसका जो हिस्सेदारी है ऑटोमेटिकली उस कंपनी में बढ़ गया, या उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि पहले खाने वाले 100 थे, अब खाने वाले 80 हो गए, तो ऑटोमेटिकली जब खाने वाले कम हो गए तो जो हर एक व्यक्ति है उसको ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप बाईबैक को समझ सकते हो। बाईबैक एक विन-विन सिचुएशन होता है जिसमें आपको जो कंपनी बाईबैक करती है उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, ये एक अच्छी कंडीशन होती है। इसके बाद समझते हैं राइट्स इशू को। तो राइट्स इशू में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है उसके पास 100 शेयर है, उसको कुछ एडिशनल फंड की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या करेगी कि 20% एक्स्ट्रा शेयर इशू कर देगी। तो इसमें क्या करते हैं, वो सबसे पहले प्रीफरेंस देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि हम आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स अलॉट करेंगे, उसके लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मान लो 100 रुपये का शेयर था तो हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 80 रुपये के भाव पे वो ऑफर करे। तो जो भी शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो उसमें चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 100 रुपये का शेयर उसको 80 में मिल गया तो उसको तो इनिशियली बेनिफिट हो जाएगा, और जो आउटसाइडर हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 100 रुपये के भाव पे। तो इस तरीके से जो एक्विजिशन होता है उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी का बढ़ जाता है। तो जब टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए वो उतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि अगर हम इसको सीधा सीधा भाषा में समझें तो खाने वाले पहले 100 थे, अब 120 हो गए, तो जब ज़्यादा लोग हो गए तो हर एक व्यक्ति को कम मिलेगा। तो इस तरीके से आप राइट्स इशू को समझ सकते हैं। कई कंपनी है जिसके बिजनेस प्लान्स बहुत सॉलिड है और जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वो राइट्स इशू निकालती है तब तो सही है, लेकिन वो हर एक किसी के बस का बात नहीं है कि जज कर पाए कि इस कंपनी का ग्रोथ किस रेशियो में होने वाला है। इसीलिए राइट्स इशू को, जो भी कंपनी राइट्स इशू लाती है उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब समझते हैं मर्जर को। तो इसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब जियो ने अपना टेलीकॉम बिजनेस लॉन्च किया तब बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज थी जो उनके लिए सर्वाइवल का इशू था। तो कुछ कंपनीज ने क्या किया कि अपना अपना बिजनेस आपस में मर्ज कर दिया। जैसे आइडिया और वोडाफोन दो अलग अलग कंपनी थी, दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक कंपनी बन जाते हैं और हमारा नेटवर्क डबल हो जाएगा और हम उसके सामने सस्टेन कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसको हम मर्जर बोलते हैं। अब समझते हैं एक्विजिशन। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है उसने किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर खरीद लिया और उसको अपनी कंपनी का पार्ट बना लिया, तो इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है वो एक्विजिशन का एक्टिविटी होता है। वो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं और इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।